ओंकारेश्वर बांध का जल स्तर मेंटेन रखने के लिए 18 गेट खोले जाकर लगातार नर्मदा नदी में पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके चलते बड़वाह के नाव घाट खेड़ी स्थित नर्मदा के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने नर्मदा में नौकायन पर प्रतिबंध लगाते हुए नर्मदा में स्नान पर रोक लगा दी है। नर्मदा में बढ़ते जल स्तर को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ नाव घाट और खेड़ी पर जुट रही है। बड़वाह में नर्मदा नदी में बढ़ते जल स्तर से नदी किनारे बना साईं मंदिर आधे से अधिक डूब चुका है। खतरे के निशान से कुछ ही मीटर नीचे नर्मदा नदी बह रही है। खंडवा इंदौर मार्ग पर मोरटक्का में नर्मदा नदी खतरे के करीब जा पहुंची है। खरगोन जिले के एडिशनल एसपी जितेंद्र पवार ने बताया कि ओंकारेश्वर बांध कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर 12,900 क्यूमेक्स पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में अलर्ट जारी कर दिया है। खंडवा जिले के मानधाता थाना और खरगोन जिले के बड़वा थाने के द्वारा इस जगह पर नाकेबंदी की गई है। मोरटक्का पुल से बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अत्यंत छोटे वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। भारी वाहनों को देशघाव से खरगोन होते हुए इंदौर की तरफ डायवर्ट किया है और इंदौर एसपी से चर्चा अनुसार तेजाजी नगर से एबी रोड की तरफ वाहनों को डायवर्ट किया गया है। अभी वर्तमान में बड़वाह में 162.8 मीटर जल स्तर है। जैसे ही यह 163 मीटर के लेवल को क्रॉस करेगा, वैसे ही मोरटक्का पुल से सभी तरह के वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जो जल स्तर सामान्य होने के बाद ही खुल सकेगा। अभी जो कंट्रोल रूम हमारा वहाँ डैम का है, वहाँ से सूचना मिली है कि लगभग 12,900 क्यूमेक पानी छोड़ा गया है और उसके परिप्रेक्ष्य में अलर्ट जारी कर दिया है खंडवा जिले के मानधाता थाना और खरगोन जिले के बड़वा थाने के द्वारा। इसमें नाकाबंदी की गई है। अभी अत्यंत छोटे वाहनों को प्रवेश दिया गया है। भारी वाहन लोडेड वाहनों को देशगांव से खरगोन होते हुए इंदौर की तरफ डाइवर्ट किया है और इंदौर से भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने चर्चा की है, तेजाजी नगर से एबी रोड की तरफ डाइवर्ट किया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी वर्तमान में 162.8 मीटर जो है पानी का लेवल है। जैसे ही वो 163 को क्रॉस करेगा तो हम लोग टोटल यातायात बंद कराएंगे और इसमें हम अत्यंत छोटे वाहनों को एक्वाडेक पुल के माध्यम से हम डाइवर्ट करेंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी वर्तमान में बरगी डैम और इंदिरा सागर डैम के भी गेट खुले गए हैं और उसके जल प्रवाह के मद्देनज़र यहां पर अलर्ट जारी रहेगा। आगामी समय में यदि जल स्तर कम होता है तो हम नॉर्मल यातायात पुनः चालू कराएंगे। इस संबंध में जो कंट्रोल रूम से और वाटर लेवल की रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे हम लोगों को ओंकारेश्वर से सूचना मिलती जा रही, उस अनुसार हमारे बड़वा और सनावत तहसील के जो गांव है नर्मदा किनारे, वहाँ पे हमारी निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे डोंडी पिटवा दी है और अधिकारी और कर्मचारी को लगा दिया है, तो सभी को अलर्ट जारी कर दिया है। सब यातायात अभी बंद करने वाले हैं। कुछ बड़े भारी वाहन बंद किए हैं, अभी छोटे वाहन चल रहे हैं। 163 मीटर और उससे अधिक पानी होगा तो फिर हम पूरा ट्रैफिक बंद करते हैं। हम लोग बिल्कुल सजग है, जैसे ही सूचना मिलेगी और वाटर लेवल बढ़ेगा तत्काल हम लगाएंगे। बड़वाह से निर्मल दुबे की खास रिपोर्ट।